हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से हम आप सबके लिए लेकर के आए एक बहुत ही बढ़िया शानदार वीडियो। अगर आप पेपर प्लेट से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम फिर से एक समस्या का समाधान लेकर के आए हैं आप लोग के लिए, क्योंकि ये भी समस्या जो है कुछ ज़्यादा ही परेशान लोगों को कर देती है। कभी कभी तो कुछ लोग इससे परेशान होकर लास्ट में मशीन को ही बंद कर देते, कहते यार बंद कर इसको, ये ठीक होने वाला नहीं है। तो आपको हम बताते हैं कि ये क्या समस्या है और ये कैसे ठीक होता है, जो और ये समस्या क्या है। ये समस्या जो है मशीन में नया नया में सबको ही आता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है तो इसलिए परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कंपनी से आता है तो ये हर चीज़ एक लेवल में नहीं टाइट होता है, एक लेवल में सब कुछ सेटिंग नहीं होता है। कई बार थोड़ा बहुत नट लूज हो जाने के कारण वो थोड़ा सा कोई ढीला कोई टाइट ज़्यादा हो जाता है। तो ये समस्या जो है मशीन के बेलन से जुड़ी हुई समस्या है, जहाँ से हम पेपर लगाते हैं आगे की ओर आता है, वहाँ से समस्या है ये। तो आज हम आपको इसी समस्या के बारे में बताएंगे कि देखिए इसको कैसे ठीक किया जाए, जिससे कि आप लोग देख के इस वीडियो को देख के आप खुद ही इस समस्या का समाधान कर लेंगे। आइए हम चलते हैं मशीन के पास, फिर बताते हैं आपको कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो आइए हम देखते हैं इस परेशानी को कैसे ठीक किया जाए। बहुत लोग का परेशानी ये होता है कि जब प्लेट निकलता है डाई से तो आगे की ओर छोड़ के, वो तो कहीं और से समस्या होता है, ये दोनों साइड से कभी इस साइड से पेपर कटता है तो कभी इस साइड से पेपर कटता है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए जिससे कि ये जो कटोरी है या प्लेट हो प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से गोल शेप में निकले। क्योंकि कई लोग ऐसे परेशान होते हैं कि कभी पेपर इस तरफ को भाग जाता है, कभी इस तरफ को भाग जाता है। अगर पेपर इधर चला गया तो इधर से कट के निकलेगा और इधर आ गया तो इधर से कट के निकलेगा। तो इसको देखते हैं कि कैसे ठीक किया जाए। नहीं समझ होने के कारण लोग परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो रोल के साइड में पीछे का भी ये लगाते हैं, कभी वो लगाते हैं ताकि किसी तरह ठीक हो जाए। तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, छोटा सा काम है भाई। ये जो मशीन का बेलन आप देख रहे हैं, ये जो मशीन का बेलन है ये वाला, तो ये ज़्यादा टाइट होने के कारण ये पेपर इधर उधर भागता है। अगर आप टाइट करते हैं इस वाले जो नट है, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों नट को हमेशा आप एक बराबर एक लेवल में टाइट कीजिए। जब भी टाइट करते हैं तो उसको एक लेवल में, ताकि दोनों साइड का रूला बराबर नीचे को बैठे। अगर यदि इस तरफ को ज़्यादा दब गया और उस तरफ को कम दब गया, तो इस तरफ को ज़्यादा दबेगा तो पेपर इधर को खींचेगा, और अगर इधर से उधर से कम होगा तो पेपर उधर को भागेगा। तो जिस तरफ ज़्यादा होगा पेपर उस तरफ को भागेगा, इसलिए दोनों साइड को एक समान कसिएगा। तो आपका दोनों तरफ अगर सही से कसाएगा तो पेपर सीधा आएगा, जहाँ आप सेट करेंगे वहीं पर रहेगा। और अगर यदि आप इधर उधर ज़्यादा कस दिए, कहीं भी एक तरफ और एक चूड़ी भी ज़्यादा कस गया, तो वो फिर आपको समस्या होगा। तो इसलिए जब भी इसको अगर छेड़ते हैं तो इसको ये ध्यान रहे कि दोनों जो नट है जो आप देख रहे हैं, दोनों बेलन के दोनों साइड जो नट है, ये ऊपर वाला फिर से दिखा देते हैं, ये वाला और दूसरा ये वाला, इन दोनों नट को एक समान में टाइट कीजिए तो वो समस्या नहीं आएगी। जो परेशानी आपको आती है कि पेपर कभी इस साइड से कटता है, कभी इस साइड से प्लेट कटता है, तो आप दोनों बराबर रखिएगा तो पेपर एक सीधा आएगा जहाँ पे आप सेट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।